अच्छा, अब हमारे पास है इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज। अब नेम क्लियरली इंडिकेट्स कम्युनिटीज है, ठीक है, कि हमने पर्टिकुलर फिनोमेना को कैसे अंडरस्टैंड करना है, उनको कैसे स्टडी करना है, क्योंकि आप लोगों के मल्टीपल इश्यूज की वजह से डिफरेंट कम्युनिटीज बन गई हैं, ठीक है, डिफरेंट ग्रुपिंग हो गई है। अब उन डिफरेंट ग्रुप्स और कम्युनिटीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ क्या है? इन्फॉर्म स्पेसिफिक प्रोसीजर्स ऑफ रिसर्च के स्पेसिफिक इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ ये बात किस चीज़ की बात करते हैं कि हर कम्युनिटी के अंदर क्या है, उनके डिस्टिंक्ट बॉडी ऑफ लिटरेचर है और उनके यूनिक इश्यूज एंड डिस्कशन के। जैसे इसके अंदर उन्होंने बात की हुई कि जैसे फेमिनिज्म की हम बात करते हैं, तो फेमिनिज्म के अंदर ये जो फेमिनिस्ट हैं, इनकी एक अपनी अलग इनका बॉडी ऑफ लिटरेचर होगा, उनकी अपनी अलग तरीका होगा स्टडी करने का, उनकी अपनी अलग इश्यूज होंगे, उनके डिफरेंट डिफरेंट आप ये कह सकते हो कि एरिया ऑफ कंसर्न्स होंगे। तो देर आर ये जो इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज है, ये हमें मल्टीपल कम्युनिटीज के बारे में बताती है कि मल्टीपल कम्युनिटीज आर प्रेजेंट आउट देयर, ठीक है, और हर एक कम्युनिटी का अलग अलग तरीका है पढ़ने का, उनकी अलग अलग फोकस है, उनकी अलग अलग नॉलेज मौजूद है और उन नॉलेज को उसको देखना जरूरी है। जैसे नहीं लिखा हुआ है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं इस इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ के, वो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर भी हो सकते हैं, रेस भी हो सकते हैं, क्लास भी हो सकते हैं, रिलीजन भी हो सकते हैं, सेक्सुअलिटी भी हो सकते हैं एंड ज्योग्राफी की बुनियाद पे भी हो सकते हैं। तो दैट शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, ठीक है, कि ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, इन डिफरेंट कम्युनिटीज़ के डिफरेंट इशूज़ हैं। इनकी अगर हम जेंडर के हिसाब से किसी को स्टडी करते हैं तो इट मीन्स कि वो जेंडर, और अगर हम रिलीजन के हिसाब से देखते हैं तो दोनों डिफरेंट है। जेंडर के अंदर डिफरेंट तरीके से नॉलेज को प्रेजेंट किया जा रहा होगा, जेंडर से रिलेटेड रिलीजन के अंदर डिफरेंट तरह की नॉलेज होगी। तो दैट शोज कि दैट इज डिफरेंट बॉडी ऑफ लिटरेचर प्रेजेंट इन ईच कम्युनिटी। अच्छा, इसमें इंटरप्रेटिव कहते हैं कि हमने इंटरप्रेटिव लेंस को यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि इंटरप्रेटिव लेंस हमें डिफरेंट तरीके से हम सोशल इश्यूज को देखेंगे, ठीक है। एक तो हम डिफरेंट इंटरप्रेटिव लेंस को यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू स्टडी डिफरेंट इश्यूज, ठीक है, और ये देखने के लिए कि कैसे डिफरेंट इश्यूज इंपैक्ट कर रहे होते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को। इसमें हम कौन से पार्टिसिपेंट्स को यूज़ कर सकते हैं इस इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ के अंदर? ये डिफरेंट वो लोग जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनकी राइट्स की वॉयलेशन होती आ रही है, जिनकी आप ये कह सकते हैं कि उनकी अंडर रिप्रेजेंटेशन होती रही है इन डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट लेवल्स ऑफ द सोसाइटी। एम्स क्या है इस इंटरप्रेटिव जो कम्युनिटी है, ये जो डिफरेंट इसके अंदर कम्युनिटीज़ हैं जेंडर की बेस पे, रेस की बेस पे, क्लास की बेस पे, कि इनका मकसद है कि हमने डिफरेंट इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करना है और ये भी देखना है। एक तो डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, और दूसरा हमने देखना है द कंडीशंस, राइट, कि ऐसे कौन से हालात हैं, ऐसे कौन से वाकियात हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जो कि इन इंडिविजुअल्स को, इन कल्चर्स को एक्सक्लूड कर रही होती है इन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द सोसाइटी। जैसे हम ये कह रहे हैं कि हायरार्की की बेस में, ठीक है, अब हायरार्की में क्या है कि अगर हम बात करें कि पर्टिकुलर रेस इज हायर, ठीक है, रेस, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो रेसिज्म, ये हम अगर एशियन सोसाइटीज की बात करें तो रेसिज्म इज नॉट दैट मच प्रिविलेंट और प्रैक्टिस एज कम्पेयर टू द प्रेजेंस ऑफ रेसिज्म इन वेस्टर्न सोसाइटीज। या हम अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो ब्लैक एंड वाइट की हम उधर डिस्टिंक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर रेस क्या है, तो वाइट इज हायर इन हायरार्की एज कम्पेयर टू द ब्लैक, ठीक है। और इसमें ये जो एग्जाम्पल देते हैं वो जो अभी रिसेंट फिनोमेना वाक्या हुआ था जॉर्ज फ्लूड का, ठीक है, उसमें उसको, जॉर्ज फ्लॉयड, हाँ, उसमें उस ब्लैक को क्या किया था, इस इल्ज़ाम पे उसके खिलाफ कोई कंप्लेन आई थी, वो लोग गए थे उसको चेक करने के लिए, उसको सड़क पे ही उसके गर्दन के ऊपर उस पुलिस वाले ने घुटना रखे रखा एंड ऑल दो ही वॉज उसको सांस बंद हो गया। वो कॉन्टिन्यूसली में कहता रहा था कि उसको सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा, बट कि वहीं पर ही उसकी फिर डेथ हो चुकी थी, ठीक है। और वो किसके बाद इस चीज के ऊपर, इस बात पे फिर वहां पे मूवमेंट निकली और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज तक वो फैलती गई, तक पहुंच गई, ब्लैक लाइव मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर, ठीक है।
तो ये क्या शो कर रहा है? अगर ब्लैक लाइव्स मैटर, ये ब्लैक लाइव्स मैटर की हम बात कर रहे हैं, तो ब्लैक लाइव्स कम्स विद इन द डोमेन ऑफ दैट इंटरप्रेटिव कम्युनिटी, ठीक है? क्योंकि ये एक रेशियल पर्टिकुलर, डिस्क्रिमिनेशन भी तो है मैम, सॉरी मैम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी हाँ तो है। असल में ये आता ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आता है ना, असल में ये आता ही रेस की डोमेन में आता है ये, ठीक है? ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है? ये रेस में ही आता है कि किस पर्टिकुलर रेस को हायरार्की वाइज वो किस पोजीशन पे है, और कौन सी पर्टिकुलर रेस जो है वो हायरार्की वाइज किस पोजीशन पे है, कि उनको क्या समझा जाता है, किस तरह से देखा जाता है, ये किया जाता है। आ, 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 मैं कुछ दिनों पहले एक वीडियो देख रही थी कि जिसके अंदर अमेरिकन रेसिज्म की बात की जा रही थी, कि और वो रेस, क्योंकि रेस की जब हम बात करें तो रेस इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फीचर्स की बेसिस पे होता है, ठीक है? कि वो बायोलॉजिकली उनका कलर, उनकी हाइट, उनकी उनकी जो फिजिकल फीचर्स हैं वो कैसे दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है? तो वो मैं एक वीडियो देख रही थी जिसके अंदर अमेरिकन के ऊपर आई थी कि कौन ये दही के पेट्रियोटिक अमेरिकन कौन से होंगे, जो अमेरिकन की जिनकी शक्ल होगी जो उस तरह से दिखेंगे, ठीक है? लेकिन एक एक और अमेरिकन था, वो इसी इशू को डील कर रहा था कि मुझे आई थिंक वो शायद कोरी, उसकी जो फेस फीचर्स थे ना वो कोरियन, चाइनीज और इन इन जैसे थे, ठीक है? तो वो ये कह रहा था कि आई हैव बिन कॉन्टिन्यूसली कम इस अंडर दिस क्रिटिसिज्म कि मैं पेट्रियोटिक अमेरिकन नहीं हूँ। वो अमेरिकन था लेकिन चूंकि उसके जो फिजिकल फीचर्स थे वो मैच कर रहे थे ये जो कोरियन, चाइनीज, इनके इन जैसे ना, तो वो ये कह रहा था कि, और वो ये कह रहा था कि आई हैव बिन कमिंग टू द दिस प्रेशर ऑलवेज कि मैं जो हूँ मुझे पेट्रियोटिक अमेरिकन नहीं समझा जाता। उसी टाइम वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कोई कोई इवेंट था, उसके ऊपर उसने क्या किया, उसने फॉरन ने अपने शर्ट के बटन खोले और उसने दिखाया उसके जो पूरी जो सीना था ना, वो जैसे वो ये दिखा रहे थे कि वो एक फौजी रह चुका था, और फौजी होने के उसके ऊपर तशद्दुद के निशानात थे उसके जिस्म के ऊपर। तो वो ये दिखा रहा था कि ये क्या मैं पेट्रियोटिज्म का सबूत इस तरह दूं आप लोगों को कि आप लोग देखो ये कि मेरे जिस्म के ऊपर ये जंगों के निशानात मौजूद हैं कि मैंने किस तरह से अमेरिका को सर्व किया। और अगर कोई अमेरिकन अपनी शक्ल से नजर आ रहा है अमेरिकन है, तो सिर्फ वो पेट्रियोटिक नहीं है, मैं भी पेट्रियोटिक हूँ, लेकिन मुझे ये दिखाना पड़ रहा है कि मेरे जिस्म के ऊपर इतने ज्यादा निशानात हैं जो मैं अमेरिकन वॉर अमेरिका के सिपाही के तौर पे मैंने मुख्तलिफ जगह पे सर्व किए, ठीक है? तो ये क्या है कि जो रेसिज्म का जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा इस इशू के तौर पर मौजूद रहा है। ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ना कि एक अमेरिकन फौजी की, कि वो रेस वाइज अमेरिका से बिलोंग नहीं कर रहा था, उस जैसा नहीं दिख रहा था, वो मैं लिंक आप लोगों को भेजूंगी तो वो देखना, ठीक है? उसकी उसकी स्पीच सुनना, वो बता वो 2 या 3 मिनट्स 2 या 3 मिनट्स की है, तो वो देखना। तो ये रेसिज्म की चीज उसमें आ जाती है। तो ये इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज का मैम मतलब, जैसे इंडिया में ये कास्टिज्म और वो जो क्लास का है, ये वही चीज होगी ना। लेकिन वो कास्ट है, वो कास्ट एक कम्युनिटी है, क्लास के बेस पे एक कम्युनिटी है। तो हम अगर इन इन बेसिस पे, जेंडर की बेस पे, रेस की बेस पे, क्लास की बेस पे, कि हमने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके स्टडी कर रहे हैं, तो वो इस हम क्या कर रहे होते हैं, हम वो स्टडी कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट तरीके हैं जिसके जरिए से हम उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है? या ये एक फ्रेमवर्क है, जेंडर से रिलेटेड हम करेंगे तो एक जेंडर का फ्रेमवर्क होगा, रेस थियरी के थ्रू करेंगे तो रेस के अंदर जितनी भी रेस चीजें आ जाती हैं वो होंगे, क्लास की बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम क्लास के तौर पे करेंगे। इसको इन्होंने लिंक किया हुआ है लाइक अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के तौर पे, कि हम पर्टिकुलर थ्योरेटिकल डोमेन ले रहे हैं, उसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर जो एक कम्युनिटी है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसका पर्पस क्या है, इस इंटरप्रेटिव, जब हम कम्युनिटीज को देख रहे होते हैं तो इन कम्युनिटीज के हम इश्यूज को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, और हम ये देख रहे होते हैं कि कंडीशंस क्या है, कौन से ऐसे हालात हैं जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं, ये कल्चर्स हैं, उनको एक्सक्लूड किया जाता है, जैसे हायरार्की है, हेजेमनी है।